হ্যালো দাদা, মেডিকেল কলেজ আগে কা দিছি আজ চুরু মেডিকেল কলেজ এ আপকো দর্শন করানে যা রহা হুম। ये चूरू मेडिकल कॉलेज के सामने का भाग है, दृश्य है। इसमें चार मंजिला मंजिल है। ये सामने का ग्राउंड दिखाई दे रहा है, यहाँ एक कंपनी काम करती है, उनके रूम्स हैं। मेडिकल कॉलेज का आगे का दृश्य ये मेडिकल कॉलेज के साइड साइड का भाग है। ये देख, ये यहाँ पे कार्य प्रगति पे है। ये पीछे का भाग है, ये जनरेटर रूम है। जनरेटर रूम ये देख लीजिए, ये बेहतर भी का जमीन में कॉलेज है, जिसमें 16 बिल्डिंगें बननी है और एक पुल बनना है जो मेडिकल कॉलेज से हॉस्पिटल तक, जो भर्तिया डेटराज हॉस्पिटल उस तक पुल बनेगा। ये काम करने वाले लोग हैं, ट्रैक्टर्स गाड़ी यहाँ पे कार्य प्रगति पे, अभी बहुत कार्य बाकी है, काम बाकी है। ये आगे का भाग है, नहीं ये साइड का भाग है, सॉरी, ये सामने दिखाई दे रहा है ना, ये गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल है, इसके जस्ट पीछे वो दिखाई दे रहा है, वो मेस है, उसके पीछे दिखाई दे रहा है वो हॉस्टल है। ये जनरेटर रूम है, ये जनरेटर रूम है। ये देख लीजिए, एक काम मशीनों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, हो रहा है, ज़्यादातर काम मशीनों से। ये यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, काम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये देखो, ये गर्ल्स हॉस्टल जिसमें कलर के लिए लोग लगे हुए हैं, कलर करने के लिए। यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनके रहने के स्थान है। ये जनरेटर रूम है, ये यहाँ पे जो माल बनता है उसके बाद जो ले जाया जाता है यहाँ से, बन के तैयार हो जाए वो, उसके बाद यहाँ से ले जाया जाता है। ये वहाँ पीछे दिखाई दे रहा है, वो लाइन पुलिस है। गर्ल्स हॉस्टल, ये गर्ल्स हॉस्टल दिखाई दे रहा है आपको। ये मेस है, ये सामने दिखाई दे रहा है, ये मेस है। ये सामने दिखने वाला मेस है, ये साइड का हिस्सा है गर्ल्स हॉस्टल का, पीछे का। इसी में काम करते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कलर कर रहे हैं। ये मेस का सामने का हिस्सा है, ये बॉय हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, ये बॉयज हॉस्टल है।
ये लड़कों का छात्रावास है, वो हॉस्टल के आगे है। अभी आगे देख लीजिए, ये गर्ल्स हॉस्टल का पीछे का सीन है। ये गर्ल्स हॉस्टल का पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे MBBS की 100 सीटें हैं इसमें। ये बॉय हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल चूरू मेडिकल कॉलेज, 100 सीटें हैं। ये मेस सामने दिख रहा है और इसके पीछे वाला MBBS हॉस्टल यहाँ पे है स्टाफ, और ये गर्ल्स हॉस्टल मैंने पहले बता चुका हूँ। ये नया जो स्टाफ के लिए बना बन रहा है, ये स्टाफ के लिए बना रहा है, बन रहा है। ये स्टाफ के लिए रूम्स तैयार हो रहे हैं, हॉस्टल तैयार हो रहा है। वो सामने लाइन पुलिस ऐसे करके इसमें 16 बिल्डिंग होंगी और एक पुल होगा तो सीधा बढ़ के हॉस्पिटल तक होगा और मेडिकल कॉलेज से कॉलेज शुरू मेडिकल कॉलेज। ये हॉस्टल का साइड का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है। ये वो है हॉस्टल का साइड का और ये पीछे का हिस्सा है और मेस का। ये वो है हॉस्टल के पीछे का हिस्सा है। बिल्डिंग में अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। अभी तो काफी समय लगेगा, वो यहाँ काम कर रहा है व्यक्ति। ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लाइन पुलिस है, ये मेस है। डॉग बैठा है, ये लाइन पुलिस का इधर से सिक्योरिटी बहुत तैनात है यहाँ पे। ये सारा का सारा लाइन पुलिस का अंडर के जगह है, पर अब ये कॉलेज के अंडर में आ गई है। ये कॉलेज के द्वारा ली गई है। ये 72 बीघा लाइन पुलिस मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोग काम करने वाले लोग रहते हैं।
ये स्टाफ के रूम्स बन रहे हैं या मेस है, इसके अंदर चलते हैं। अभी कुछ देर में जाएंगे हम अंदर, अब हॉस्टल के अंदर चलते हैं, मेस के अंदर। अंदर ये देखिए मेस, इसमें भी काम लगभग हो चुका है कुछ से, खामियां है भी बाकी है, वो पूरी कर रहे हैं लोग। यहाँ पे ये वर्कर हैं जो यहाँ पे मेस में काम करते हैं, जो कि बीकानेर से बिलोंग करते हैं। चूरू मेडिकल कॉलेज का आगे कैसा है? धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूँ आपका दोस्त विकास मावर, धन्यवाद।